हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 2 के बच्चों हुए डाउट्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, एंड उन्होंने कहा है देन एफ डिक्रीजेस इन द इंटरवल। फंक्शन हमारा डिक्रीज होता है तो कौन से इंटरवल में होता है वो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देखा है। सो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है मींस एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, ये हमें पता है। ठीक है, सो दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स, हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, देयरफॉर तो वो कैसा होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, देयरफॉर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू विच इज लेस देन जीरो, देयरफॉर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। आप बोलोगे ये कहा गया मैम, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी रियल नंबर, एक्स की कुछ भी वैल्यू आप पुट करो। ठीक है, तो हमें मिला है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। तो क्या करेंगे, देखो अगर आप अच्छी तरह से देखो तो सपोज इसे ए बोल देते हैं एंड इसे बी बोल देते हैं, सो हमें क्या मिला है, ए इंटू बी लेस देन जीरो। दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, एक तो एक पॉजिटिव एंड दूसरा निगेटिव होता है। सो यहां दो केसेस होगी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव या फिर ए निगेटिव एंड बी पॉजिटिव। ओके, सो यही केसेस हम यहां अप्लाई करते हैं। सो केस फर्स्ट, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड एट दैट टाइम एंड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, ये फर्स्ट केस। ठीक है, सो यहां हमें मिलेगा एक्स ग्रेटर देन वन, वन माइनस वन यहां शिफ्ट कर देते हैं एंड एक्स लेस देन टू। ठीक है, x ग्रेटर देन वन एंड x लेस देन टू मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर वन लेस देन x लेस देन टू, x लाइज बिटवीन वन एंड टू, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन टू, दिस इज केस फर्स्ट। ठीक है, केस सेकंड देख लेते हैं, केस सेकंड इसके वाइस वर्सा लेना है हमें, x माइनस वन लेस देन जीरो एंड x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सो हियर व्हाट वी गेट, x लेस देन वन एंड x ग्रेटर देन टू। ऐसा कोई एक नंबर आप मुझे बताओ जो वन से लेस है एंड टू से ग्रेटर है, ऐसा नंबर ही नहीं है। सो विच इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं, विच इज इम्पॉसिबल, तो ये केस तो हमारे कुछ काम का नहीं। सो हमारा एक्स कहा होगा ओपन इंटरवल वन टू टू में एंड हेंस ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर इंटू साइन फोर एक्स स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू, हमें गिवन है के इंटू ई रेस टू माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर इंटू ए साइन फोर एक्स स्क्वेयर प्लस बी कॉस ऑफ फोर एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, एंड उन्होंने हमें के ए एंड बी फाइंड आउट करने के लिए कहा है और साथ में कहा है के ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, तो हम एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। ओके, तो फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है ये तो पता नहीं, लेकिन कौन सा फैक्टर डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है ये हमें पता है, कौन सा फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर। सो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, therefore 2x dx is equal to dt, x dx, sorry यहाँ dx है, x dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x dx is equal to dt by 2। ठीक है, so what you get, therefore I is equal to integration of e raised to minus 5t into sin 4t and x dx की वैल्यू dt upon 2। ठीक है, therefore I is equal to 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस 5t इंटू साइन 4t dt। ठीक है, अब क्या करेंगे,
एक तो आप यहाँ बायपार्ट्स भी यूज कर सकते हो, या फिर इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया है। क्या है फॉर्मूला? इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, अगर इस फॉर्म में हो इंटीग्रल तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू, ओके, ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अगर ये दोनों कंपेयर करें, ये दोनों कंपेयर करें, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? ए इज इक्वल टू माइनस वाई, देन बी हमें क्या मिल रहा है? बी इज इक्वल टू फोर। तो ये अप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू, देखो ई रेस टू, ए की वैल्यू क्या है? माइनस फाइव, ठीक है, लेकिन ये एक्स में है, हमारा इंटीग्रल टी में है, तो हम टी लिखेंगे माइनस फाइव टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर 25, फोर का स्क्वायर 60, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू माइनस फाइव, माइनस फाइव साइन ऑफ क्या है हमारी वैल्यू? 40, साइन ऑफ 40 माइनस बी, बी की वैल्यू 4, सो 4 कॉस ऑफ 40, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस सी, ओके, आई इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस फाइव। टी हमने किसके लिए लिया था? एक्स स्क्वायर के लिए, बैक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 41, ठीक है, एंड दूसरी बात, ये 1/2 हमारा बाहर था, तो यहां लिख लेते हैं 1/2, तो यहां होगा इंटू 2, ठीक है, इंटू माइनस 5 साइन ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस ऑफ 4 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस सी। अगर आप कंपेयर करो तो देख सकते हो, देखो ई रेस टू माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाहर है एंड k की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 82 होगा, सो वी गेट k इज इक्वल टू 1/82। कैपिटल A हमें मिलेगा माइनस 5, a इज इक्वल टू माइनस 5 एंड b की वैल्यू मिलेगी 4, ओके, सो k a एंड b की वैल्यू हमें मिल गई है एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 44, इफ I m n इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू m अपॉन log x raise to n, ओके, एंड देन उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है m प्लस 1 इंटू आई एम एन माइनस n इंटू आई एम एन प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे देखो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेस टू एम इंटू वन अपॉन लॉग एक्स रेस टू एम, देखो यहां एन है तो यहां एन है, ये एम यहां है, ओके, तो हमारा इंटीग्रल दो कॉन्स्टेंट में है, यम एंड एन, ओके, सो ये रही लॉगरिथमिक टर्म, सो दिस इज आवर यू एंड दिस इज आवर वी। लायर टूल में ऐसे करते हैं ना, अगर लॉगरिथमिक टर्म है तो उसे डायरेक्टली हम यू बोल देते हैं, सो यहां बायपार्ट्स यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वन अपॉन लॉग एक्स रेस टू एम एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम, मिडल साइन इज माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हमें लेना है डेरिवेटिव, सो डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन लॉग एक्स रेस टू एम मीन्स लॉग एक्स रेस टू माइनस एम, ठीक है, एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम एंड होल इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस सी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, ओके, एंड इंटू में कौन है? लॉग एक्स रेस टू एम, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स रेस टू माइनस एम का डेरिवेटिव, पावर आगे लेना है और एक्स से कम करना है, मीन्स लॉग एक्स रेस टू माइनस एम माइनस वन, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेस टू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके, विच इज इक्वल टू मीन्स आई एम एन विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन इंटू लॉग एक्स रेस टू एन, ठीक है, ये फर्स्ट एन कॉन्स्टेंट, दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव कर लेते हैं, एन कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, हाँ दूसरी बात, यहाँ पावर आगे लिया एक्स से कम किया लेकिन एक्स की जगह पे कौन था? लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा वन अपॉन एक्स, ठीक है,
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कॉन्स्टेंट है एज इट इज एम प्लस वन वन अपॉन एम प्लस वन ये भी कॉन्स्टेंट है ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ log x raised to minus n minus 1 can be written like this 1 upon log x raised to n plus 1 ठीक है. 1 upon x x का पावर 1 है means ये x और यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा सो यहाँ बचेगा x raised to n ठीक है into dx plus c ओके. यहाँ भी m plus 1 है यहाँ भी m plus 1 है डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा सो m plus 1 into I m n which is equal to यहाँ कौन बाकी रहेगा x raise to m plus 1 upon log x raise to n okay plus यहाँ n क्योंकि ये तो यहाँ आ चुका है okay. एंड अब आप देख सकते हो x raise to m है यहाँ log x raise to n है तो इसे हमने I m n बोला है तो यहाँ n की जगह पे n plus 1 है तो ये कौन फॉर्म हुआ I m comma n plus 1 and then plus c ठीक है ओके. देयरफॉर ये टर्म एज इट इज m प्लस 1 इनटू आई एम एन ये पॉजिटिव है यहां शिफ्ट कर देते हैं माइनस n इनटू आई एम n प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू x रेस्ट टू m प्लस 1 अपॉन log x रेस्ट टू n प्लस c ठीक है. एंड हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट x रेस्ट टू m प्लस 1 अपॉन log x रेस्ट टू ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट सॉल्यूशन ठीक है. नेक्स्ट 52 उन्होंने दिया है 2 लेस देन x लेस देन 3 मींस x लाइज बिटवीन 2 एंड 3 ठीक है. देन वी हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 ओके एंड होल इनटू dx ठीक है. ये हमें फाइंड आउट करना है ओके. देखो x lies between 2 and 3 means 2 point something होगा वो 2.1 2.2 कुछ भी हो सकता है ठीक है. तो इसका मतलब अगर हम x minus 1 निकालेंगे तो वो greater than 0 होगा. देखो ना 2 point something है minus 1 करेंगे तो greater than 0 मिलेगा. second अगर हम x minus 2 निकालेंगे वो भी greater than 0 मिलेगा. देखो suppose x की value 2.1 put की 2.1 minus 2 means 0.1 वहाँ है तो which is greater than 0 and अगर हम x minus 3 निकालेंगे तो वो हमें less than 0 मिलेगा ठीक है. तो इसका मतलब जब हम इसका modulus निकालेंगे तो वो positive होगा x minus 2 का modulus भी positive and इसका modulus negative होगा so which is equal to integration of क्या मिलेगा ये x minus 1 second term क्या मिलेगा x minus 2 लेकिन यहाँ क्या मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस 3 ठीक है एंड होल इनटू dx ओके. ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 इनटू dx सो प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसिल. x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c एंड हिज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ठीक है. Now 54, integration of x minus 11c1 x square plus 11c2 x cube minus 11c3 x raised to 4 up to so on minus 11c11 x raised to 12. Okay, ये integration हमें find out करना है. क्या करेंगे? देखो, यहाँ x से each term में x दिखाई दे रहा है तो x हम common ले लेते हैं suppose this is I okay integration of x हमने common लिया यहाँ कौन बचेगा 1 minus 11c1 x plus 11c2 x square ये combination है okay minus 11c3 x cube यहाँ जो number है वही power में चाहिए up to so on minus 11c11 x raise to 11 bracket complete ठीक है. So which is equal to integration of x मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम जो 11 का चैप्टर है उसमें हमें पता है ये एक्सपेंशन कहां से आता है तो ये एक्सपेंशन है 1 माइनस x ब्रैकेट रेस्ट टू 11 का ओके एंड इनटू में कौन है dx सो व्हिच इज इक्वल टू अब हम यहां क्या करेंगे पुट 1 माइनस x इज इक्वल टू t इसे कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा माइनस dx इज इक्वल टू dt दैट इज dx इज इक्वल टू माइनस dt और यहां से x फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस t अब चेक करके देखो ठीक है. सो
विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी एक्स की वैल्यू, इसके लिए हमने टी पुट किया है, सो टी रेस्ट टू 11 एंड dx की वैल्यू हमें मिली है माइनस dt. माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो व्हाट वी गेट, t माइनस 1, ओके, t रेस टू 11 इंटू डी टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 11 इंटू टी मीन्स t रेस टू 12 माइनस t रेस टू 11 इंटू डी टी. एंड अगर इंटीग्रेशन लेना है सो विच इज इक्वल टू t रेस टू 13 अपॉन 13 माइनस टी रेस टू 12 अपॉन 12 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है. एंड यहां हमें t की वैल्यू पुट कर देनी है, t के लिए क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स. सो देखो फाइनली हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेस टू 13 अपॉन 13 माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू 12 अपॉन 12 एंड प्लस c, एंड हेंस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट सोल्यूशन. ओके एंड नाउ लास्ट वन 61 हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, ये गिवन है. ओके एंड हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब. ओके ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉल दिस इंटीग्रल एज आई which is equal to integration of this x raised to 5 can be written like this x cube into x square, ठीक है, into f of x cube dx. क्या है, function भी है and function का derivative भी, so put function is equal to t, x cube is equal to t, therefore differentiate with respect to x, what do we get, 3x square dx is equal to dt. so यहां से हम x square dx की value निकाल सकते हैं, dt upon 3. Therefore, I is equal to integration of x cube के लिए t into f of t and x square dx के लिए हमें मिला है dt upon 3. So, which is equal to 1 upon 3. यहाँ दो functions हैं, दो function में multiplication है. So, here we have to use Piper's rule. So, first function as it is, इसे u बोल देते हैं. Algebraic है ना? And this is v. First function as it is, integration of second minus integration of फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, एंड होल इंटू डी टी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू टी इंटू. अब देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साई ऑफ टी. ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यह भी साई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस सी. बस लास्ट स्टेप बाकी है, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू टी हमने किसके लिए लिया था, x क्यूब के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, x क्यूब इंटू साई ऑफ x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ x क्यूब इंटू डी टी. डी टी की वैल्यू क्या मिली है हमें, डी टी 3x square dx. ओके ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c एंड ऑप्शन देख लेते हैं, एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एंड हेंस एक्सरसाइज 2 ऑफ इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन डाउट सॉल्विंग इज कंप्लीट. थैंक यू.